नहीं नहीं अमिताभ जी, देखिए आप समझने की कुछ, अमिताभ जी सयूरी, और क्या क्या छीनोगी तुम हमसे हमारा? हमारे एक बेटे को तो खा गए, दूसरे को हमसे दूर कर दिया, सगे भाई जैसे दोस्त से दोस्ती तुड़वाई, कारोबार में नुकसान कर दिया, और क्या बचा है? बोल, हम सबकी जान लेके मानेगी तू? ये क्या कह रही हैं? ताना, तू बीच में नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से कान्हा और अंजलि का रिश्ता टूट गया। हमारा सुख देखा नहीं गया तुझसे, तेरे परिवार से, यही चाहते थे ना तुम लोग? बरसों पहले जो हुआ उसका बदला ले लिया, ठंडक पड़ गई कलेजे में तेरे और तेरी मां के। आप सबको ये लड़की बोली भाली लगती है ना, लेकिन वैसी है नहीं, ये जितनी जमीन के नीचे है उतनी जमीन के ऊपर है। हमने तो कब का पहचान लिया था इसे, ये तब भी सत्यानाशिनी थी और आज भी है। सरोज, अगर इस लड़की के लिए आप हम पे चिल्लाए तो हम भी चिल्ला देंगे चिरू के पापा। आज चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ कि पूरा मोहल्ला सुने, फिर भी हम चुप नहीं रहेंगे। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं आप, प्लीज लड़िए मत। ये लड़की आपको इतनी सगी हो गई है कि हम दुश्मन लगने लगे हैं आपको, हमारी हर बात काटते हैं आप। गलती हमारी हो गई कि हमने तुम्हें पहले से ही नहीं रोका, तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त हमसे छूट गया। सालों हो गए आपके दोस्त को मरे हुए, आज भी उसके प्यार की पट्टी नहीं उतरी आँखों से। सरोज, लल्ला, तेरी पत्नी से कह चुप हो जाए। ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत बहाओ, रोना तो हमें चाहिए, घर हमारा बर्बाद हुआ है, पति और बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, जिंदगी हमारी नरक हो रही है, जरा भी शर्म नहीं आई ना बेशरम? जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के भाई के साथ फेरे ले लिए तूने, कुछ भी करके इस घर में आना था ना तुझे, आ गई हवेली में, पड़ गई ठंडक तेरे और तेरे मां के दिल में। अब जा, जा अपने आंगन में जाके नाच। सयूरी कहीं नहीं जाएगी, बात यहीं खत्म होती है। जब तक ये लड़की इस घर में है बात खत्म नहीं होगी कान्हा, कहते इसे अपनी मनुष्यत अपने पल्लू में बांध के दफा हो जाए यहाँ से। बस बस, इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। करती है क्या किया है मैंने, मैं क्यों क्यों हर बार लड़ाई की वजह बन जाती हूँ, क्यों क्यों मुझे हर बार दोषी ठहराया जाता है यहाँ पे, क्यों?
अपने घर वापस जा सकती हूँ। यूरी, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, दिल है नादान। एक बात बोलूंगी तो मानेगा? मेरा ख्याल रखते रखते अपनी खुद की माँ से दूर मत हो जाना। देख, उनका दुख ना हम सबसे बड़ा है। वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है, दूसरे बेटे को दूर होते हुए देखे ना, ये डर ना उनको उनको खाए जा रहा है। प्लीज मेरी साइड मत लिया कर, तू हमेशा उनकी साइड लिया कर, प्लीज खाना। वो गलत हो तब भी? काना, माँ गलत होके भी सही होती है, क्योंकि उसके मन में बच्चों का ख्याल होता है, उनकी फिक्र होती है, उनके भले के बारे में सोचती है। और जब तो ऐसे मेरी साइड लेता है ना, तो उन्हें तकलीफ होती है कि उनका खुद का बेटा उनके खिलाफ हो रहा है। पर सोच के देख, मैं तेरी साइड लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ। ये लाइफ है, कोई स्पोर्ट्स नहीं जिसमें दो में से एक टीम को सपोर्ट करना है। मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा, तुझे और माँ को भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। सॉरी। कुछ नहीं, वो पता नहीं पैर में क्या हो गया। बैठ, दो मिनट बैठ, ठीक हो जाएगा, उस पैर पे जोर मत डाल, थोड़ा टाइम दे उसे। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, बहते हैं जज्बात। माँ, हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा चलाक निकली ये लड़की, कैसे धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है यहाँ पर। वो अपनी जगह नहीं बना रही है, अपने पैर पसा रही है इस घर में। लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे? पैर पसारना तो दूर, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं रह पाएगी वो। पर माँ, कान्हा उसकी इतनी तरफदारी क्यों करता रहता है? करने दे कुसुम, उसे जो करना है करने दे, लेकिन हम उसकी माँ है, भले दुखी है, नाराज है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे हम उसे जीतने नहीं देख सकते। हम अपने बेटे को उसके पल्लू से बंधे हुए नहीं रख सकते। पर माँ, आप ऑलरेडी ये कर रही हो, अब और क्या करोगे आप? हमारा ब्रह्मास्त्र है ना,